ओके, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो किरण के एक और चिपसेट की तरफ से आ रही है जिसका नाम होने वाला है किरण 9000L। अब किरण की सीरीज के अंदर हमने इससे पहले भी चिपसेट देखे हैं, लेकिन रिसेंटली जब इन पे बैन लगा है और हवा का सारा सिनेरियो हुआ है तो उसके बाद किरण के नए प्रोसेसर हमें देखने को नहीं मिले, लेकिन जो इनका किरण की 9000 सीरीज है उसी के ही मल्टीपल वेरियंट जो है वो हमारे सामने आते रहे हैं। और यहाँ पर ये जो 9000L है ये सपोजिटली थोड़ा बेटर होने वाला है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जो पुराना 9000 था और उसकी नस्बत थोड़ी सी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होने वाली है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि ये सैमसंग की फाउंड्री में बनेगा और ये 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पहले हुआवे का बनता था खुद से, ये पहले TSMC बनाती थी जो कि एप्पल के लिए भी चिप्स बनाती है। बेसिकली वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी है जिसके भी चिप बनाने होते हैं, उनकी फैक्ट्री है वो वहां पे बना देते तो हैं। तो हवावे के बैन के बाद इन्हें कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ था उससे? हाँ, TSMC को इफेक्ट हुआ था, उनने छोड़ दिया है काम करना। सैमसंग के बारे में सुनने में आ रहा है कि शायद सैमसंग ये काम करे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि सैमसंग भी इस चीज से इफेक्ट होती है, तो शायद इस चीज पे वो बाद में काम ना ही कर सके, लेकिन एटलीस्ट हवावे के एंड से 9000L के ऊपर इस टाइम काम चल रहा है जो कि किरण 9000 का एक पावरफुल वेरिएंट है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो चेंज है वो इसकी AI और न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट में होने वाला है।